नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम लोग बात करने वाले हैं गारमेंट्स एंड डिपार्टमेंट के बारे में। मैं एक नया बोर्ड लाया हूं और ये आई थिंक ज़्यादा इजी हो जाता है आप लोगों को अपनी बात बताने के लिए, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को हम लिख के नहीं करते तो प्रॉपरली हम लोग समझा नहीं पाते हैं। चलिए, अब ये गारमेंजर क्या होता है और इस टॉपिक को बनाने का मेरे पास कैसे विचार आया। यस्टरडे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ 9th क्लास स्टूडेंट। कल एक 9वीं क्लास में कोई एक बच्चा है छोटा, आई थिंक बेंगलुरु से होगा, और उसने मेरी वीडियोस कई महीनों से फॉलो कर रहा होगा। तो जस्ट उसने मैसेज डाला, सर मैं 9th में एंड आई वांट टू डू अ होटल मैनेजमेंट एंड आई वांट टू बिकम अ एग्जीक्यूटिव शेफ इन अ गारमेंट्स डिपार्टमेंट। अब एक 9 साल का बच्चा यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, मुझे इंडियन शेफ बनना है, मुझे तंदूर का शेफ बनना है, कॉन्टी शेफ बनना है, तो एक छोटा सा बच्चा बोलता है मुझे गारमेंजर का शेफ बनना है। अब उसको ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चली? बाकी अगर आप बोले कहाँ से पता चली तो गूगल देवता है, कोई भी सर्च कर सकता है। पर वहीं जब हम एक होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में जाते हैं, हम अपने डिग्रीज या डिप्लोमा करते हैं, तो हम लोग अपने आप को 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इंडियन शेफ बनने की सोचते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं कॉन्टी शेफ बनने की। पर यहाँ पे जो ये गारमेंजर डिपार्टमेंट है या गारमेंजर शेफ है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी बड़े शेफ़ देख लेंगे जिनको कि आप लोग सेलिब्रिटीज़ बोल रहे हैं या जो आप जिनको टीवी में देखते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कि गारमेंजर डिपार्टमेंट में काम ना किया हो। और ये गारमेंजर जो शब्द है, ये एक फ्रेंच का शब्द है, 2 चीज़ों से मिलकर बना है, गार्दे और दूसरा मंजर। अब गार्दे का मतलब हो गया टू कीप और मंजर का मतलब हो गया टू ईट। कीप टू ईट, या बोल सकते हैं केप्ट कोल्ड टू बी ईटन। खाने को ठंडा रखना है और उसको खाना है, क्योंकि अगर हॉट की बात करें तो हॉट में फिर कॉन्टी, इंडियन, तंदूर, साउथ इंडियन, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये डिपार्टमेंट भी उतना ही ज़रूरी है, और स्पेशली जो भी बाद में कॉन्टिनेंटल के शेफ़ बनना चाहते हैं तो उनको ये आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कॉन्टी का शेफ़ होगा उसको क्रिएटिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? अगर उसने गारमेंजर में काम किया है। गारमेंजर में काम करने से आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है, क्योंकि यहाँ पे जो काम होते हैं सारे के ज़्यादा आधे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। आपको प्लेटिंग्स यहाँ से आप बहुत अच्छे सीखते हो। आप लोग अगर चाहें तो जैसे वेजिटेबल कार्विंग, मुझे खुद वेजिटेबल कार्विंग आती है, फ्रूट कार्विंग मैं कर सकता हूँ, वाटरमेलन कार्विंग मुझे आती है, जेलेटिन की कार्विंग मैं कर सकता हूँ। तो मैंने भी अपने इनिशियल जो डेज थे वहाँ पे गारमेंजर में ही काम किया था। जब आप गारमेंजर में काम करते हो, क्योंकि जो काम होता है वो ऑलमोस्ट हमारा कॉन्टिनेंटल आप जैसे ही आप बोल सकते हो, पर थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादातर जो कोल्ड कुकिंग हो रही है, जैसे कैनपीज बनती है, टेरिन्स बनते हैं, पाते बनते हैं, हम लोग सैंडविचेस बनाते हैं, सैलड्स होते हैं, और होटल्स में अगर आप देखेंगे तो ये डिपार्टमेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी होटल्स में बुफे लगते हैं यहीं से सारा खाना जाता है, जितने भी सैंडविचेस जाते हैं, रूम में जो एमिनिटीज़ लगती हैं जैसे कि फूड बास्केट आपका हो गया, कैनपीज हम लोग लगाते हैं, वो सारी की सारी यहीं से जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाता है। तो जो भी बाद में एक बड़ा एग्जीक्यूटिव शेफ बनने की सोच रहा है, तो अगर इस डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिले गारमेंट्स डिपार्टमेंट में, तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर एक जर्नली मैं बोलूँ कि हमारे जैसे होटल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे ये भी होता है कि भाई अगर स्टाफ कम है तो वहाँ पे जो पेंट्री सेक्शन होता है उसको गारमेंजर सेक्शन भी बोल दिया जाता है, और जो आपके बुफे का होता है उसको भी इसमें ही इंक्लूड कर दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कितना बड़ा होटल है, उनकी मैन पावर का क्या हिसाब किताब है, पर डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको यहाँ पे काम करके बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और मैं खुद भी रेकमेंड करूँगा जो भी कॉन्टिनेंटल के शेफ़ हैं, क्योंकि मोस्टली मेरी वीडियोज़ कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट के ऊपर होती हैं, तो इस डिपार्टमेंट में ज़रूर काम कीजिएगा। अब कॉन्टी में हम लोग बात कर रहे हैं सॉस की, सूप्स की, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है? आप लोगों को सीखने को मिलता है टेरिन, पाते, डिफरेंट काइंड ऑफ सैंडविचेस, कोल्ड कट्स हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, अभी अगर आप शिप में कभी काम करेंगे या फ्यूचर में आपको मौका मिलेगा, या जो भी शेफ़ लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि कोल्ड में कितना ज़्यादा काम होता है, ऑदोज हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बनते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको और टेरिन, पाते, ग्लेजेस हमारे बनते हैं, ग्रेवलेक्स करके एक डिश होती है वो बनती है, ठीक है ना, इवन हम लोग रॉ फिश के सैलड्स बनाते हैं, तो उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नीचे कमेंट कीजिएगा और जाने की कोशिश कीजिएगा, और इसको कभी भी आपको एक कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट के तरीके से नहीं देखना है, ये अपने आप में ही एक आप बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें इतनी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। पर अगर आप कॉन्टिनेंटल के शेफ भी बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके अंदर चीज़ें ज़रूर सीखिएगा, इसके अंदर जो भी काम होता है ज़रूर सीखिएगा,
क्योंकि यहाँ से आपके अंदर आती है क्रिएटिविटी, और जो कॉन्टिनेंटल शेफ़ है उसको प्लेटिंग्स की ज़रूरत होती है, तो क्रिएटिविटी तो आपको यहीं से आएंगे। उम्मीद करता हूँ गारमंजर की आपको पता चल गया होगा गारमंजर क्या है, और कॉन्टिनेंटल शेफ़ के लिए गारमंजर का काम आना कितना ज़रूरी है ये भी हो गया। बाकी इसके अंदर इक्विपमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर आपके बफेलो चॉपर्स यूज़ होते हैं, आपकी जो स्लाइसिंग ग्रेविटी स्लाइसर्स हम लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग, सैंडविचेस वगैरह हो गए, तो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। कुछ क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी नया सेटअप देखिएगा कैसे लगेगा, लगा है मेरा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाएंगे, और नेक्स्ट साल तक हम एक नए डिजिटल बोर्ड के साथ यहाँ पे आएंगे। जस्ट ये भी एक नॉर्मल बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड की भी मैंने इच्छा जाहिर कर दी है, तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ईयर तक एक डिजिटल बोर्ड भी हमारे साथ होगा। जय हिंद।